वेलकम बैक टू यू थ्री सी लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा दसवीं में गणित विषय में जो है चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसके एक्सरसाइज 13.3 प्रश्नावली 13.3 के सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में है, तीन हमारे पास ठोस गोले हैं, तो तीनों की त्रिज्या हमारे पास दे रखी है। पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 सेंटीमीटर, तीसरे की 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये तीन गोले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीन ठोस गोलों को पिघलाकर और एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इन तीनों को पिघलाकर बदलकर और एक बना दिया। तो इस गोले की हमने त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है। इनकी त्रिज्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हमने निकालनी है। तो जब इन तीनों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया, तो जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन तीनों गोलों का आयतन जोड़ेंगे हम, और वो किसके बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर। तो पहले गोले की त्रिज्या को हम R1 लिखेंगे, दूसरे गोले की त्रिज्या को R2 लिखेंगे, तीसरे गोले की त्रिज्या को R3, और बड़े गोले की त्रिज्या हम मान लेंगे, माना बड़े गोले की त्रिज्या R सेंटीमीटर। हमें R का मान निकालना है, तो हम प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, बड़े गोले का जो आयतन है, बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। इन तीनों गोले का आयतन हम दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, जो तीन गोले हैं हमारे पास उनका आयतन हम जोड़ेंगे, वो बड़े गोले के आयतन के बराबर आएगा। तो ये हम फॉर्मूला रखेंगे। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 πr, त्रिज्या आर ली है, आर की 3, बराबर पहले गोले का आयतन। तो 4/3 πr, इसकी त्रिज्या है R1³, R1 की 3 हो जाएगा। दूसरे गोले का आयतन 4/3 πr, R2 ली है इसकी त्रिज्या, R2 की शक्ति 3, प्लस 4/3 πr, R3 की शक्ति 3। ये R1, R2, R3 इनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं, इसलिए हमने R1, R2, R3 पहचान के लिए लिखा है। तो ये हमने बराबर रख दिया है। अब 4/3 और पाई आर की शक्ति 3, ये वैसे का वैसा। इधर हम देखेंगे तीनों में जो है 4/3 πr, 4/3 πr, 4/3 πr कॉमन है, तो हम 4/3 πr कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, R1 3, यहाँ पर इसमें क्या बचेगा, प्लस R2 की पावर 3, प्लस इसमें क्या बचेगा, R3 की पावर 3। तो कॉमन लेने से हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4/3 से 4/3 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल। तो R की शक्ति 3 बराबर, यहाँ जो है ब्रैकेट R1 का मान 6 है, 6 की शक्ति 3, R2 8 है, 8 की 3, R3 का मान 10 है, 10 की शक्ति 3। अब हम इसको हल करेंगे। तो 6 की शक्ति 3, 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6×6=36, 6×2=216, प्लस 8×2=64, 8×5=512, 3 बार गुणा होगी, 10 की 3 बार 10, 250, 100, 1000। इनको हम जोड़ेंगे, तो R की शक्ति 3 बराबर, इन तीनों को जोड़ा हमने तो 1728 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें R का मान चाहिए, तो यहाँ 3 है, तो दोनों तरफ घनमूल करेंगे हम, क्योंकि स्क्वेयर होता है तो वर्गमूल करते हैं, अब शक्ति 3 है तो घनमूल करेंगे। घनमूल करने पर तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, R की 3 में से 1 R बाहर आ जाएगा, और 1728 के हम टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 2×8=16, 2×6=12, 2×4=8, फिर 2 से 2×8, 2×3=6, 2×2=4, फिर 2 से भाग जा रहा है, 2×2=4, 2×1=2, 2×6=12, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, 3×27, 3×3=9, 3×1=3। तो 3 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, अर्थात 3 बार 2 है तो 1×2 बाहर आ जाएगा, फिर 3 बार 2 है, 1×2 बाहर आ जाएगा, 3 बार 3 है, इसमें से 1×3 बाहर आ जाएगा। ये हमारा रफ वर्क रहेगा। तो 1728 का घनमूल, 2×2=4×12, तो हमारे पास R का मान कितना जाएगा, R बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अतः बड़े गोले की त्रिज्या
हमारे पास प्राप्त हो गई है। बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यह हमसे पूछा गया था। तो आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट हमसे अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।